खरगोन जिले के सेगावा आदिवासी बाहुल्य विकास खंड का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक्सरे मशीन खुद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। मात्र काम चलाओ एक्सरे निकाले जा रहे हैं। यह मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 13 फरवरी 1998 को लगी थी। वो शासन के अनुसार उसकी वैलिडिटी कई वर्षों पहले ही खत्म हो चुकी है, फिर भी उससे काम लिया जा रहा है। मशीन के पुर्जे पूरी तरह घिस चुके हैं, सर्विसिंग अभी तक नहीं हुई है, स्कैनर खराब पड़ा है, एक्सरे के काम में आने वाले सभी उपकरणों की हालत खस्ता है। साथ ही डार्क रूम टूटा फूटा है, जहां पर एक्सरे मशीन रखी है वहां की छत भी बारिश से टपकती है। कुल मिलाकर एक्सरे मशीन पूरी तरह कंडम हो चुकी है। वहीं पूरा विकासखंड एक्सरे मशीन पर आश्रित है। अगर इस मशीन को दुरुस्त नहीं किया गया तो छोटी सी मोच के लिए एक्सरे के लिए मरीजों को खरगोन बड़वानी व इंदौर जाना पड़ सकता है, जिससे गरीब मरीजों को समय और धन की हानि होगी। यहाँ पर दुर्घटना भी हो रही है। एक्सरे मशीन की खस्ता हालत पर नेता, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी सभी मौन हैं। वहीं क्षेत्रवासियों द्वारा डिजिटल एक्सरे मशीन की मांग की जा रही है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। एक्सरे मशीन की हालत खराब, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सरे मशीन की क्वालिटी जो एक्सरे हो रहे हैं उसकी क्वालिटी सही नहीं आ रही है। मैंने आज एक टेक्नीशियन से इसकी जानकारी ली है और टेक्नीशियन द्वारा जो बताया गया उसका एक पार्ट खराब है। उस पार्ट के संबंध में खरगोन में नहीं मिल रहा है, वो करवाया था लेकिन वहाँ नहीं मिल रहा है, उसका इंदौर से मंगवाने की कार्रवाई की जाती है। सबसे कार्रवाई करके काम किया जाए। कितनी पुरानी सर एक्सरे मशीन? एक्सरे मशीन तो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। एक दो बार लेटर भी हमने जारी कर चुके हैं कि डिजिटलाइज किया जाए ताकि मरीजों को कोशिश हो सकते। क्या नाम लिखो सर?